ईद फेस्टिवल की, जहाँ पर लोग ख्वातीन जिन्होंने अपने घर पर ये चीज़ें बनाई हैं ये ला करके यहाँ इन्होंने सेल के लिए रखी हैं। हमारे डिपार्टमेंट की ये ख्वाहिश होती है कि हम ख्वातीन को एम्पावर करें, जो नेगेटिव ट्रेंड्स हैं ख्वातीन के ख़िलाफ़ उसको रोकें, जो पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं उनको प्रमोट करें। हरासमेंट, दीगर ज़्यादतियाँ, पॉलिटिकल एरेना में औरतों की पार्टिसिपेशन, सोशल एरेना में औरतों की बाइज़्ज़त और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, सियासत में औरतों की प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, हम चाहते हैं कि हम औरत को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करें कि वो सोसाइटी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में भरपूर किरदार अदा कर सकें। बेनिफिशियल है क्योंकि इस तरह औरतें जो अपने घरों में काम करती हैं ना, वो निकल कर आकर सामने अपनी जो उनकी मेहनत है वो दिखा सकती हैं। ठीक है, जिस तरह इधर काफ़ी लोगों ने स्टॉल लगाए, हमने भी लगाए हुए हैं, ख़वातीन ने, उनको जो वो लोग घरों में बैठ के उनको इतना नहीं मिलता जितना वो बाहर अगर जाके करें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, सब देख सकते हैं उसको। कि क्वेटा जैसी जगह के ऊपर ख़वातीन को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना कि वो आएँ और अपने काम को लोगों को न सिर्फ दिखाएँ बल्कि वहाँ से कुछ अर्निंग भी हासिल कर सकें। आज हमने अपने काम को एग्जिबिट करने के लिए स्टॉल लगाया है। हमारा एक प्रोजेक्ट है वुमेन एंड गर्ल्स प्रोटेक्शन हेल्पलाइन के नाम से, जिसमें हम ख़वातीन और बच्चियों के हकूक़ के हवाले से काम कर रहे हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस और साइको सोशल सपोर्ट के हवाले से।